क्या तुम दोनों तैयार हो? अबे इतने दिनों से यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। अबे क्या हो गया, कुछ बोलेगा अभी? इससे पहले कपिल हमें निपटा दे, हमें उसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। अबे मोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे राकेश भाई, तुम क्या हाल चाल हैं? अरे हाल चाल क्या बताऊं यार, बहुत परेशान चल रहा हूँ आजकल। क्या हुआ, कर्जा ज्यादा ही हो गया क्या? अरे कर्जे वाली बात नहीं है, भूत प्रेत का चक्कर है यार। भूत प्रेत का? हाँ यार। अरे ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? अबे यार क्या बताऊं, मेरा और अभिषेक के साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं आजकल, तू विश्वास नहीं करेगा। एक बार उस भूत ने मुझ पे हमला कर दिया और एक बार उस भूत ने अभिषेक पे हमला कर दिया। भूत? और क्या, भूत किसका है? अरे मुझे नहीं पता किसका भूत है, मगर भूत है। और तेरे पे कोई उपाय है तो बता। उपाय? उपाय तो है मेरे पास, मैं बताता हूँ तुम्हें। आओ चलो मेरे साथ चलो। देखो टेडू बाबा है, वो जो 21 नंबर का हाईवे है ना, हाँ? उसके पास जंगल है, हाँ? वो तुम्हें वहीं मिलेंगे, और जो भी तुम्हारी समस्या है वो सारी हल वहीं करेंगे। चल फिर ठीक है, मिलता हूँ तेरे से मैं। अबे अभिषेक, उसने हमारा बेवकूफ तो नहीं बना दिया? यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। देखते हैं थोड़ा आगे चल के, और क्या पता कोई दिख जाए। अरे हाँ इधर ही हूँ मैं। अरे आप ही हो टेडू बाबा? मोहन ने कहाँ का एड्रेस दिया था? यहीं का दिया था। तो मैं ही हूँ टेडू बाबा, मेरा इलाका है ये। चलो आओ मेरे साथ। अबे इनको कैसे पता चला हमें मोहन ने एड्रेस दिया है? अंतर्यामी होंगे बाबा। चल आओ बैठो। बताओ क्या परेशानी है तुम दोनों की? बाबा हम बहुत परेशान हैं, हमें एक भूत ने बहुत परेशान कर दिया है। अबे तू भी बता कुछ। अरे मैं क्या बताऊँ, आप ही बता दो। बाबा हमारा एक दोस्त था कपिल, वो एक हादसे में मर गया। उसे लगता है उसे हमने मारा है और वो हमारे पीछे पड़ा है, वो हमें मारना चाहता है। एक बार मुझ पर हमला कर दिया उसने, एक बार इस पर हमला कर दिया। अब आप बताओ इसका क्या उपाय है? बस इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हारे उस दोस्त के भूत को तो मैं चुटकी बजा के वश में कर लूंगा। बाबा आप उसे चुटकी बजा के वश में करो या ताली बजा के वश में करो, उससे हमारा पीछा छुड़वा दो। वो जब तक हमें निपटाएगा नहीं तब तक वो सांस नहीं लेगा। बाबा कुछ हमारी मदद करो बाबा। देखो बात ऐसी है, मेरा इतिहास उठाकर देख लेना, टेडू बाबा ने कितने भूतों को अपने वश में किया है। अरे भूत तो टेडू बाबा के नाम से ही कांपते हैं। हाँ पिताजी। अरे बेटा दिल्लो कहाँ है तू? ऑफिस में हूँ, मीटिंग चल रही है, क्लाइंट बैठे सामने।
अरे मैं कह रहा था रात ज्यादा ही पी ली यार मैंने, नींबू ले आना यार। ठीक है बेटा। अरे पीते क्यों है इतनी, आते हुए ले आऊंगा शाम को। अरे बाबा ये कौन था? पिताजी थे मेरे। और आपका ऑफिस कहाँ है? अरे यही तो है मेरा ऑफिस। अरे आउटडोर ऑफिस होगा। बाबा आप वो सब छोड़ो, आप हमारी समस्या का उपाय बताओ, नहीं तो वो हमें मार के दम लेगा। अब तो हमारे सपने में भी वही आता है रात में। देखो उपाय तो मैं बता दूंगा मगर 1500 लगेंगे। 1500? सुन लिया बाबा, जितना पैसा मांग रहे हैं उतना बाबा को दे देना। 1500 मांग रहे हैं 2000 दे देना, तभी हम बच सकते हैं। देख ठीक है बाबा, आपको पैसे मिल जाएंगे। देखो अब जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करना, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। चलो मेरे साथ। भू भूतेश्वर भूताय स्वाहा, 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 भू भूतेश्वर भूताय स्वाहा। बाबा आ गया, उधर आ गया वो खड़ा है, ये फिर ये भूत हो। बाबा ये हमारे दोस्त का भूत, ये हमें परेशान कर रहा है, बचाओ इससे बाबा। यही है बाबू, तुम सब मेरे पिता हो, मैं बताता हूँ इसे, मैं इसका भी खात्मा करता हूँ। तुम दोनों मेरे पीछे खड़े हो जाओ, ये तुच्छ आत्मा मेरे सामने कुछ भी नहीं। अबे तू है ही कौन मेरे सामने, जानता है कौन है टेढ़ू बाबा? अबे तुझको तो मैं यहीं समाप्त कुछ करो, आगे बढ़ रहा है हमारी तरफ भी बढ़ रहा है। अरे तू रुक, मैं इसे अभी देखता हूँ ये है क्या मेरे सामने। अरे इसके ऐसे कई भूत निपटाए हैं मैंने, ये क्या चीज है मेरे सामने। अब इसका नंबर है, इसे भी निपटाऊंगा मैं। बाबा तो फर्जी निकला, तो भाग के दूंगा भाग के। राकेश भैया मेरी बात मानो, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमें चोरी करनी ही पड़ेगी। अभिषेक तू समझता क्यों नहीं यार, उसने हमारा निकलना तक बंद कर रखा है, चोरी करना तो दूर, सांस भी नहीं ले पा रहे हम लोग। तो राकेश भाई हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, भूखे मर जाएं। अब कपिल के हाथों से मरने से तो अच्छा है भूखे ही मर जाते, जिंदगी हराम कर रखी उसने हमारी। देखो राकेश भैया, जब तक हमारे शरीर में जान बची है तब तक हमें लड़ना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है फिर, कहाँ करनी है चोरी?
अरे राकेश भैया क्या कर रहे हो, जहां मन करता वहीं लेट जाते हो। चल, चलो चल 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 अच्छा अच्छा आराम से चलते। अरे ये क्या घर? अरे हाँ यही तो है। ये इतना ऊंचा है, तू इसमें चढ़ेगा कैसे? स्पाइडरमैन है क्या? अच्छा अच्छा आराम से ऊंचा है। आजा आजा देख देगा आराम से, बहुत ऊंचा है, सटके चलना सटके। आजा अरे कितना ऊंचा है, यहाँ से गिरे तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। अरे ज्यादा मत सोच, सटके चल सटके दीवार से। अबे तू कैसी कैसी जगह लेके आता है चोरी करने, देख रहा कितना ऊंचा है, यहाँ से गिरे ना लूले लंगड़े होके जाएंगे। कहाँ से ढूंढता है तू ऐसी जगह, सुन रहा है तू? अरे राकेश भैया ये क्या कर लिया? अरे ये राकेश भैया ये पकड़ा गए। बहुत दर्द हो रहा है अभिषेक, यहाँ साइड में भी हो रहा है। अबे यार ना हम चोरी कर पा रहे ना हम कुछ पैसे ला पा रहे, कैसे खाए, भूख भी लग रही, बहुत दर्द भी हो रहा है, जिंदगी आराम कर रही है हमारे। अरे राकेश भाई अब आपको इतना वहम होने लग गया क्या? मुझे कपिल समझ के छत से नीचे कूद गए। क्या करता मैं, उसने हमें इतना डरा दिया, हर जगह वही दिखता है, क्या करें कैसे खाए खाना, भूख से भी मर रहे दर्द से भी मर रहे, कैसे करें अब चोरी। ये क्या है, ये घड़ी, ये घड़ी कहाँ से लाया तू? बैंक में मैनेजर हूँ, वहां से सैलरी मिली तब लेके आया इसको, चोर हूँ चोरी करके लाया और कैसे लाया। तो इसे बेच के तो अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। शाबाश शाबाश। अबे कम से कम 20-25 हजार की तो होगी। और क्या, ऐसा करता हूँ इसको अंकित को बेच देता हूँ, वो ले लेगा, थोड़े दिन का खर्चा पानी आ जाएगा अपना, कुछ दिन की टेंशन खत्म, दर्द से ही हो गया मेरा छाती का। अरे राकेश भाई आज इधर। अरे माल लेके आया हूँ। अच्छा माल लेके आए हो? हाँ ये। अंकित भाई माल जेन्युइन है? राकेश भाई रुको जरा चेक करने दो, देख रहा हूँ। अरे ये किस चिंदी चोर की घड़ी माल ली तुमने? क्या मतलब अंकित भाई, इस बार तो बढ़िया माल लेकर आया हूँ, इसकी अच्छी रकम तो मिलनी चाहिए। ठीक है क्या मांग रहे हो इसके? 10-15 हजार तो मिलने चाहिए। ये 1000 रुपए से ऊपर की चीज नहीं है। सही कह रहे हो क्या तुम? और क्या फर्स्ट कॉपी है ये? अबे यार कैसे कैसे फर्जी फर्जी लोग घूम रहे हैं आजकल मार्केट में, और वो अभिषेक को भी ऐसे लोगों की जेब काटनी होती है। लो यार जो जो बन रहा है दे दो, नुकसान करवा दिया यार। ठीक है ठीक है यार चलो। अरे राकेश भाई इस बार माल तुम लेके आए हो?
कपिल कहाँ है? वो लाता था हर बार माल। अरे वो गांव गए ना जरा, तो मैं ले आया हूँ माल इस बार। आ जाएगा कुछ दिनों में आ जाएगा। चलो ठीक है, अगली बार कपिल को भेज देना, कह देना उसे। ठीक है, बोल दूंगा मैं। जिंदगी में टेंशनें तो इतनी हुई, मगर जान पे बात पहली बार आई। अरे टेंशन तो मुझे हुई थी एक बार। अरे 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 डॉक्टर साहब, तुम्हारी कहानी सुन चुका हूँ मैं कई बार। तुम पैक पियो। अरे डॉक्टर साहब, हाँ मुझे शर्म आनी चाहिए। लानत है मुझ पे, लानत। मुझ पे तो कीड़े पड़ने चाहिए, कीड़े। क्यों भाई? अरे मैंने आप जैसे देवता इंसान को धक्के मार के भगा दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। आप तो देवता इंसान हो, देवता। वैर कहाँ है आपके पैर? नहीं, मुझे तो इन सब की आदत है। हर जगह जाता हूँ पिटता ही रहता हूँ, मगर तुमने मुझे पार्टी में बुला के मेरा सम्मान बढ़ाया है। अरे डॉक्टर साहब धन्यवाद भाई। कैसी बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? अरे मुझे तो बाद में फील हुआ कि आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती तो उस लड़की की थी, वो शादीशुदा क्यों थी? उसे शादीशुदा नहीं होना चाहिए था, उसने आपको धोखा दिया। अरे नहीं, वो तो बहुत अच्छी थी। मैं कोई हलचल मूवी का अंगाचन थोड़ी ना हूँ, थोड़ा आशिक मिजाज हूँ। वो तो आप सकल से ही लगते हो, मगर धोखा तो मेरे को मेरे दोस्त ने दिया, जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। साले को इतनी शर्म नहीं है कि खुद तो मर गया है, मैं इसे क्यों मार रहा हूँ? अरे वो तुम्हें मारकर अपने पास बुलाना चाहता है। वो धोखा नहीं, उसका प्यार है। तुम कहो तो मैं तुम्हारा पोस्टमार्टम करके तुम्हें उसके पास पहुंचा दूं? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, अभी तो मेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, अभी तो चोर भी बनना है। अरे अभी तक बैठ बैठ, सही टाइम पर ऐसा कर, ले नमकीन लेके आ जा तू, जल्दी जल्दी भाग जल्दी। आप तो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम करने पे तुले रहते हो हमेशा। ये तो अभी से क्या भाई? मैं तो नमकीन लेने आया था, जैसे दरवाजा खोला साले ने रैपटी रैपट बजाए मेरे। क्या रैपट 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 बजा दिया उसने? दराती नहीं लाया था क्या इस बार? वो ना इस बार उसके बाद दराती नहीं थी। अबे तू चल, वो डॉक्टर ऊपर है यार, अकेला तू उसे ना निपटा दे, वो चल आउट। चला रामसा रामसा, यहाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा।
डॉक्टर साहब उधर को हो, यहाँ सोचा तू, यहाँ सोचा, चल डॉक्टर साहब के साथ सो जा। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। अभिषेक ठीक है तू? हाँ आप ठीक हो? थोड़ा मैं डॉक्टर साहब को छोड़ी आया हूँ और मैं जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ शाम तक के लिए। तू रह लेगा अकेले? अकेले राकेश भैया, अकेले कैसे रहूँगा मैं? वो तो मुझे कभी भी आके मार जाएगा। अभी ये देख, पता क्या है ये, जिस दिन मैं घड़ी बेचने गया था उस दिन मिला है मुझे पर्चा। एक बाबा रहते हैं रोशनपुर में जो एक विभूति देते हैं, उससे बड़े से बड़ा भूत मर जाता है, उन्हीं के पास मैं जा रहा हूँ। तुझे बस शाम तक रुकना है। देख शाम तक, शाम तक रुकने के लिए मैं बचूंगी तो सही। अरे मरना तो वैसे भी है, आज नहीं तो कल वो हमें मार ही देगा। एक बार बाबा की विभूति इस्तेमाल करके देख लेते हैं, क्या पता बच जाए। अरे पर राकेश भाई मैं अकेला कैसे रहूंगा? देख अभिषेक, ये आखिरी मौका है हमारे पास। अगर हम इसमें भी कुछ नहीं कर पाए तो हम तो वैसे भी मरने वाले हैं, तो तू बस शाम तक रुक जा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैं कर लूंगा इंतजार, मगर आप जल्दी आना। ये जगह सही लग रही है, ला अभिषेक सामान दे। कपिल, मैं नहीं चाहता था मैं तुझसे बदला लूं, मगर तूने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि अब मुझे इस टोटके से तेरा खात्मा करना जरूरी हो गया है। भैया ये टोटका काम तो करेगा ना? काम? ये उसका काम तमाम कर देगा। तुझे पता है इसमें क्या क्या है? क्या है इसमें ऐसा? इसमें एक सिद्ध बाबा के द्वारा दी गई विभूति है, जिसमें उन्होंने ऐसा मंत्र मार के दिया है जिस मंत्र से कोई भी बुरी आत्मा खत्म हो जाती है। और ये दिया उन्होंने पता है क्यों दिया है? इस दिए को जलाकर हम उस आत्मा को, कपिल की आत्मा को यहाँ पर लाएंगे और इस विभूति से उसका खात्मा कर देंगे। शुरुआत करें। ला माचिस दे। माचिस, माचिस, माचिस का दे वाले। आप पे माचिस कहाँ से आई? अरे अभी तूने ही तो दी है माचिस। अभिषेक भाग! इस टोटके से मेरा खात्मा नहीं करोगे क्या? क्या हुआ, थक गए क्या? अबे थके नहीं है हम, हम तुझसे परेशान हो गए हैं, मगर अब तुझे हम खत्म करके रहेंगे। अभिषेक इसको साले को जिंदा नहीं छोड़ना आज,
ये दोस्त होते हुए भी दुश्मन निकला हमारा। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, देखता हूँ क्या कर सकते हो तुम मेरा। तुम्हारी तो गर्दन काट के पेड़ पे ना लटका दी तो मेरा नाम कपिल नहीं। हे भगवान, मैं इसे कैसे समझाऊं? इसको हमने नहीं मारा है, अभिषेक इसको समझा ले। इसको हमने नहीं मारा, इसको बोल ये हमारी गर्दन काटने पीछे तो लाया यार। इसको समझा, अगर तू हमारी गर्दन नहीं काटना चाहता है तो आ रहा हूं मैं तेरे पास। कपिल भाई ही बताएंगे कि यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। अभी से सबके सब मिले हुए, भाग। अबे यार, ये हमें आज मार के छोड़ेगा यार अभी से, क्या करे। आज हमारा आखिरी दिन है। अरे गले क्यों मिल रहे हो आप? अबे गले नहीं मिलूंगा तो क्या करूंगा, इसके बाद थोड़ी ना मिल पाएंगे गले। ये मार देगा आज हमें। नीचे घूम देगा। अभिषेक बिल्कुल चुपचाप रहना, वो तेरी पास में खड़ा है। बिल्कुल ठीक ना, मत ठीक ना। आज थे मतलब तू जिंदा था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? हमारी हालत देख रहा तू? इसको देख, संदेह में पड़ा है। और तुम दोनों ने भी इसका साथ दिया, हमें डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुम लोगों ने। कम से कम कभी एक बार हमसे आके तो पूछ लेता कि हमने मारा है नहीं मारा तुझे। तू ये तो हो गई गलतफहमी, तू हमारे पीछे पड़ गया, गर्दन काटने में तुला था तू हमारी। अबे तुझे क्या हो गया, दही जमा ली मुंह में, कुछ बोलता क्यों नहीं इन्हें? अबे तू मुझसे क्या बोल रहा है, दफनाने से पहले मुझे देख नहीं सकते थे मैं जिंदा हूँ या मरा हुआ हूँ? सीधे दफना दिया, कम से कम अस्पताल तो ले आते। वो तो इत्तेफाक से अंकित वहाँ आ गया था और वहाँ से मुझे निकाल लिया,
वरना मेरी तो वही समाधि बन जाती। अरे तो मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया, मुझे लगा तू मर गया। अरे राकेश भाई, थोड़ी जल्दीबाजी नहीं करके तुम इसे दफनाने में? अरे ऐसे लोगों से तो बच के रहना चाहिए जो अपने दोस्तों को मानने में तुले रहते हैं। कम बोल ले कम। वैसे तुम लोग ये प्लानिंग कब से कर रहे थे? मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम लोग मिले हुए हो सबके सब। और तू जानबूझ के लाया था ना उस टेडू बाबा को हमारे पास। चल जो भी हुआ सब गलतफहमी में हुआ। सही कह रहा है तू, अब कर भी क्या सकते हैं, हमारे साथ जो होना था वो हो गया। मगर कपिल हमने मिस बहुत किया यार तुझे, हमें लगा तू हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मगर यार एक बार बता देता ना, हम जान जाते हैं कि तू जिंदा।